जन कुंडली कैसे देखें पार्ट आठ है ये और आज हम आपको बताएंगे उच्च का ग्रह किस राशि में होता है और वही ग्रह नीच का किस राशि में होता है एकदम आसान शब्दों में और अभी तक अगर आपने एस्ट्रोवे को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए समझाते हैं आपको देखिए ग्रह जब भी उच्च का होता है इसका अर्थ ये होता है कि वो हंड्रेड परसेंट पावरफुल है और जब नीच का होता है मतलब उसमें कोई भी पावर नहीं होती है तो यहाँ पर ये समझिए जो भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसके जस्ट सामने वाली राशि में नीच का हो जाता है यहाँ पर आपको दिखाते हैं सूर्य यहाँ पर मेष राशि में उच्च का होता है और सामने वाली जो सात नंबर है मतलब तुला में नीच का हो जाता है उसी प्रकार चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का हो जाता है गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है तो यहाँ पर नीच का हो जाएगा मकर में बुद्ध कन्या राशि में उच्च का होता है वही नीच का हो जाएगा मीन में शनि तुला राशि में उच्च का होता है नीच का हो जाएगा मेष में वही मंगल मकर राशि में उच्च का होता है नीच का हो जाता है गर्क में और शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है नीच का हो जाता है कन्या में और राहु और केतु को भी बता दें, राहु वृषभ और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं तो मतलब धनु और वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे उसी प्रकार केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के होते हैं और वृषभ तथा मिथुन में नीच के हो जाते हैं